ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्ट प्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंदे अध्याय 17 श्लोक संख्या 15। अनागः स्वेह भूतेषु य आगस्कृत निरंकुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षात् अमर्तस्य अपि स अंगदम्। अनागः स्व इह भूतेषु य आगस्कृत निरंकुशः आहर्ता अस्मि भुजं साक्षात् अमर्त्यस्यापि सांगदम्। अनागः स्वेह भूतेषु य आगस्कृत निरंकुशः आहर्ता अस्मि भुजं साक्षात् अमर्त्यस्यापि सांगदम्। अनागः स्वभूतेषु आहर्ता अस्मि भुजं साक्षात् अमर्त्यस्यापि सांगदम्। अनागः स्वेह भूतेषु यः आगस्कृत निरंकुशः स्वभूतेषु निरंकुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षात् मर्तस्यापि सांगदम्। माता अनागः स्वभूतेषु आहर्तः अस्मि भुजं साक्षात् अमर्त्यस्यापि सांगदम्।
अनागः स्वभूतेषु आगस्कृत निरंकुश आहर्तास्मि भुजं साक्षात् मर्तस्यापि सांगदम् अनागः स्वेह भूतेषु य आगस्कृत निरंकुशः आहर्ता अस्मि भुजं साक्षात् अमर्तस्यापि सांगदम् शब्दार्थ अनागह सुइह निरपराध भूतेषु जीवों में यह जो व्यक्ति आकृत अपराध करता है निरंकुश उच्छंखल उद्दंड आहर्ता अस्मि मैं काट लूँगा भुजम बाहें साक्षात प्रत्यक्ष अमर्तस्यापि चाहे देवता क्यों न हो सअंगदम बाजूबंद तथा अन्य सजावट से युक्त अनुवाद जो उद्दंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर अपराध करता है वह मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा चाहे वह बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी ही क्यों न हो। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। स्वर्ग के निवासी अमर कहलाते हैं क्योंकि उनकी आयु मनुष्यों की अपेक्षा काफी लंबी होती है। मनुष्यों के लिए जिसकी आयु अधिक से अधिक 100 वर्ष होती है लाखों वर्ष की आयु निश्चय ही अमर लगेगी। उदाहरणार्थ भगवतीता से हमें पता चलता है कि ब्रह्मलोक का एक दिन अर्थात 43 लाख गुना 1,100 वर्षों के तुल्य है। ये तो 100 वर्ष हैं साधारण वर्ष नहीं है। इसी प्रकार स्वर्ग के अन्य ग्रहों का एक दिन इस ग्रह के 6 मास के तुल्य होता है और वहाँ के निवासियों की आयु वहाँ के 1 करोड़ वर्ष की होती है। अतः स्वर्ग लोकों में चूंकि मनुष्य की अपेक्षा उन निवासियों की आयु काफ़ी बड़ी होती है अतएव कल्पना के आधार पर वहाँ के निवासी अमर कहलाते हैं। यद्यपि भौतिक ब्रह्मांड के भीतर अमर कोई भी नहीं है महाराज परीक्षित स्वर्ग के ऐसे निवासियों को भी ललकारते हैं यदि वे निरपराधों को कष्ट पहुंचाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य के शासन अध्यक्ष को महाराज परीक्षित के समान सशक्त तो होना चाहिए जिससे वह सबसे बलवान अपराधी को भी दंड दे सके। राज्य के शासन अध्यक्ष का यह सिद्धांत तो होना चाहिए कि जो ईश्वर के आदेशों की अवमानना करने वाला अपराधी है उसे सदैव दंडित किया जाए। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गणामहियम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं
सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तनालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। पुनः आज के श्लोक से भक्तों की महिमा का मंडन किया जा रहा है, गुणगान किया जा रहा है। एक भक्त की कैसी सामर्थ्य होती है, कैसी सत्ता होती है, कैसी शक्ति होती है कि कैसे महाराज परीक्षित ना केवल संसार के सब जीवों के लिए ऐसा आदेश देते हैं कि कोई भी व्यक्ति विश्व में कहीं भी क्यों ना हो, सर्वतो अस्य सर्वत्र सारी पृथ्वी पर कहीं भी क्यों नहीं है, च मद भयम उसको मुझसे भयभीत होना चाहिए। कल ऐसा बताया महाराज परीक्षित ने, आज और एक कदम महाराज परीक्षित आगे बढ़ गए और महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा उद्दंड व्यक्ति है जो निरपराधियों को सताता है और सताकर अपराध करता है, वो मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा। वास्तव में कई बार क्या होता है संसार में, हमें ऐसा लगता है कि
ये व्यक्ति को सताया जा रहा है और सताने पर भी भगवान कुछ कर नहीं रहे, जबकि सारी सृष्टि भगवान की अध्यक्षता में काम करती है। मया अध्यक्षता सूयते, मया अध्यक्षेन सूयते प्रकृतिम सूयते सचराचरम। सारी प्रकृति किसकी अध्यक्षता में काम करती है? भगवान की अध्यक्षता में काम करती है। भगवान के भक्त लोग सदा निरीक्षण रखते हैं। भगवान के भक्त दुर्बल नहीं होते, भगवान के भक्त सदा ही सबल रहते हैं। क्यों सबल होते हैं? भक्ति के कारण। और ऐसा नहीं है कि कलयुग का समय आ गया है तो कलयुग के समय में भगवान की शक्ति नहीं रही या भक्तों का साम्राज्य नहीं रहा, ऐसा भी नहीं। तो फिर ऐसा क्यों देखा जाता है कि अलग अलग प्रकार के योगों में निरपराध लोगों को सताया जा रहा है? ऐसा क्यों देखा जाता है? और ऐसा देखा जाता है कि ना कोई भक्त कुछ कर रहा है ना भगवान कुछ कर रहे हैं। एक भक्त की कैसी शक्ति है कि 100 वर्ष की छोटी सी आयु और देवताओं को चैलेंज कर रहे हैं, जिनकी आयु कल्पना से परे है, ऐसा लगता है कि शायद अमर्त है। अमर्तस्यापि, मर्त्य लोक के वासी नहीं है, अमर्त्य हैं, अर्थात जिनकी मृत्यु इतनी जल्दी नहीं है हमारे कंपैरिजन में। और ऐसा कह रहे हैं चाहे वो अमर्तस्यापि क्यों नहीं है, उसके साथ साथ उन्होंने बाजूबंद क्यों नहीं पहन रखे, अर्थात कवच आदि से उनकी भुजाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं, तो भी मैं उनकी भुजाओं को उखाड़ के फेंक दूंगा। कैसी शक्ति है? फिर ऐसा क्यों देखा जाता है कि निरपराध लोगों को सताया जा रहा है? ऐसा क्यों, कोई बता सकता है? जैसे बांग्लादेश में देखा गया कि भाई इतने सारे भक्त लोग थे और उन भक्तों पर आक्रमण कर दिया गया, उन भक्तों को मार डाला गया। अन्यत्र भी देखा जाता है, कदम कदम पर देखा जाता है निरपराध जीवों को सताया जा रहा है। ऐसा क्यों? कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। क्या कारण है प्रवीण प्रभु? कुसंगति, कुसंगति का निरपराध लोगों को सताए जाने से क्या? जो सता रहे हैं उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? प्रश्न ये है, निरपराध लोग अगर सताए जा रहे हैं, जिनके द्वारा सताए जा रहे हैं उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? जैसे यहाँ का व्यक्ति जब स्वर्ग लोक तक के लोगों को चैलेंज कर सकता है, तो स्वर्ग लोक में जो अधिपति बैठे हुए हैं भगवान के भक्तगण, सर्वत्र तो भगवान के भक्त हो सकता है ना हो, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी सृष्टि में भक्त लोग ना हो। स्वर्ग के वासी लोग क्यों नहीं ऐसा कह रहे हैं कि हम वहां जाकर के दंडित कर देंगे, या कोई और भक्त संसार में ऐसा नहीं रहा क्या? क्या वास्तव में सारा संसार भक्तों से विहीन हो गया कि कोई भक्त कुछ कर ही नहीं पा रहा है? क्या कारण है? मुकुल प्रभु, भक्तों का भगवान पर विश्वास होता है इसलिए भगवान करेंगे तो ठीक ही करेंगे, तो फिर
भगवान क्यों नहीं कर रहे हैं विश्वास पे खरे, भगवान क्यों नहीं उतर रहे फिर? निरपराध लोगों को क्यों सताया जा रहा है? मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी, क्या कारण है? क्या संसार में भक्त नहीं रहे, या भक्तों की, हाँ, भक्तों की महिमा को प्रकाशित नहीं? प्रश्न क्या है वो आप समझ नहीं रहे, उत्तर कुछ और दे रहे। भक्तों की महिमा तब प्रकाशित होगी जब भक्त लोग कुछ करके दिखाएं। प्रश्न ये है कि निरपराध लोग जब सताए जा रहे हैं संसार में, लेकिन भक्त तो सक्षम है ना, तो भक्त क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? राजा दंडित करेगा, राजा की सामर्थ्य इसका मतलब भक्त से ज्यादा हो गई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहीं भी दिमाग चला रहे हो। कई बार महाराज से भी ये प्रश्न किया गया कि भगवान कर क्यों नहीं रहे कुछ, ऐसा क्यों हुआ? तो महाराज कई बार उत्तर देते हैं, उसमें भगवान की भी सहमति है। क्या है? भगवान की भी सहमति है। जैसे पांडवों को निरपराध थे, जुए में पराजित करके उनको वन गमन भेजा गया, वन गमन होना पड़ा, उनको लोग चिढ़ाते थे, कदम कदम पर अपमान करते थे, और वो सब उनको सहन करना पड़ता था, अपराधी थोड़े थे, फिर क्यों सहन करना पड़ रहा था उनको? क्योंकि उसके पीछे भगवान की भी सहमति है। कुछ फ्यूचर प्लान था भगवान का पांडवों को लेकर के, कौरवों को लेकर के। जानते थे भगवान, भगवान सहायता भी करते थे, लेकिन पीछे से सहायता करते थे, सामने से उस तरह से नहीं करते थे। समय आने पर सामने से भी सहायता किया। आचार्य लोग वर्णन करते हैं कि कई बार भक्तों को भगवान विनम्र बनाने के लिए इस प्रकार से दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है कि कई बार हमें लगता है कि सामने वाला निरपराधी है, लेकिन उसका इतिहास की ओर अगर चलेंगे तो पता चलेगा वो निरपराधी नहीं है, वो किसी न किसी स्तर पर अपराधी अवश्य रहा है। इसलिए भगवान किसी न किसी माध्यम से उसका जो अपराध है, जब वो पक करके आ जाता है, उसको दंड दिया जाता है किसी न किसी के माध्यम से। इसलिए भगवान और भगवान के भक्त लोग क्या करते हैं, उस विधान में सहमति दर्शा देते हैं। प्रायः हम सभी कलयुग के जीव हैं, अपने आप को बहुत इनोसेंट कहते हैं, हम सभी अपने आप को बहुत निरपराधी समझते हैं और बहिर्मुख हैं। बहिर्मुख होने में विशेष रूप से दूसरों के अपराध नजर आते हैं। इस कारण से स्वयं के जीवन में जब कुछ होता है तो ऐसा लगता है मेरे साथ बहुत अत्याचार किया जा रहा है, मेरी क्या गलती है, मेरा तो कोई अपराध ही नहीं। बहिर्मुख जीव दूसरों के अपराध बड़ी सहजता से देख लेता है, अपने अपराध उसको दिखाई नहीं देते। महाराज कहते हैं कई बार, ठीक है सामने वाले ने गलती किया, तुम शिकायत लेकर के आ रहे हो, क्या तुम गलती नहीं करते? तुम्हारे पास क्या अधिकार है किसी की गलती को पॉइंट आउट करने का, जब तुम खुद गलत हो? इसलिए तुम अपना सुधार करो, वो अपना सुधार करेगा। तुम्हें ठेका किसने दिया उसका सुधार करने का? उसका भी सुधार हम कर लें, हमें जानकारी है कि उसकी क्या समस्या है, तेरा भी सुधार हम करना चाह रहे हैं। तो आचार्य लोग देखते हैं कि सामने वाले की गलती वास्तव में है या नहीं।
लेकिन हम जब ऐसा सोचते हैं कि नहीं मेरी तो कोई गलती है नहीं और सामने वाले ने मेरे को सताया इसलिए चलो शिकायत लेकर के, और फिर देखते भक्त तो कुछ कर ही नहीं रहे, महाराज कुछ कर ही नहीं रहे, कोई कुछ सुनवाई नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है निरपराध लोगों के ऊपर खूब अत्याचार हो रहा है, या ऐसा प्रतीत होता है कि शायद इनके पास करने की शक्ति ही नहीं है। ऐसा नहीं, गुरुजनों के पास तो वो सामर्थ्य होती है कि हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। विचार करो, जो थोड़ी सी आयु वाले व्यक्ति और इतनी आयु वाले व्यक्तियों को ललकार रहा है, और ऐसा नहीं है कि ऐसा केवल ललकारने के लिए बोले बोल बच्चन कर देते, क्या है फेंकने में क्या जाता है नहीं, पूर्व में छोटी छोटी आयु के लोग इस धरती के ऐसे सामर्थ्यशाली हुए हैं इस भक्ति के प्रताप से। हाँ, महाराज मुचकुंद जैसे कि उन्होंने देवताओं के लोक में जाकर के उनकी सहायता की है, आखिरकार वो भी तो एक सृष्टि का देखा जाए तो एक पोर्शन मात्र है ना, वो भी भगवान के कुछ पुण्यों के कारण वो उस सुविधा में रह रहे हैं, हम किसी कारण से इस सुविधा में रह रहे हैं और बाकी लोग किसी अन्य सुविधा में रह रहे हैं अपने अपने कर्मानुसार। लेकिन भगवान के लिए तो सारी सृष्टि में सर्वत्र सबके सब एक जैसे ही हैं, जीव मात्र हैं। इसलिए कई बार अगर जीव मात्र हैं तो यहाँ कम आयु वाला भी भगवान का भक्त हो सकता है, बड़ा आयु वाला भी भगवान का भक्त हो सकता है, एक बालक भी भगवान का भक्त हो सकता है, एक बूढ़ा भी भक्त हो सकता है। एक बालक भगवान का भक्त है तो उससे बूढ़ा व्यक्ति श्रेष्ठ थोड़ी हो जाएगा, आयु मात्र से श्रेष्ठ थोड़ी हो जाएगा। अगर बुजुर्ग है लेकिन भक्त अगर बालक है तो बालक श्रेष्ठ कहलाएगा, और अगर बुजुर्ग भी भक्त है और एक बालक भी भक्त है तो दोनों ही भक्त हैं, दोनों ही सम्माननीय। केवल ऐसा नहीं कि स्वर्ग लोक के देवता बन जाने से महान हो गए, नहीं, वो अपने स्तर पर भक्त हैं, यहाँ के जीव अपने स्तर पर भक्त हैं, अन्यत्र के जीव अपने अपने स्तर पर भक्त हैं, उसमें नई बात क्या है। प्रभुपा जी इसी स्तर पर हमेशा रहते थे। एक बार एक माता जी जो प्रभुपा जी का फोटो पिक करती थी, प्रभुपा जी मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे तो प्रभुपा जी बता रहे थे कि जो चंद्रमा है इससे सब्जियों में ये चमचमाते रहते हैं लेकिन धरती को शीतलता प्रदान करते हैं, साथ में सब्जियों को बोले जो स्वाद है वो सब्जियों का वो चंद्रमा के कारण ही आता है। तो माता जी को पता नहीं क्या ऐसा लगा तो उन्होंने फोटोग्राफी छोड़ के मॉर्निंग वॉक के समय में, वो अकेली माता जी जाती थी मॉर्निंग वॉक में, बाकी लोग नहीं जा पाते थे, बाकी ब्रह्मचारी लोग जाते थे, तो अपना वो कैमरा छोड़ करके प्रभुपा जी के पास आई। तो प्रभुपा जी को पूछने लगी, प्रभुपा जी हाँ चंद्रमा ऐसे स्वाद सब्जियों में क्यों भरते हैं। प्रभुपा जी कहते हैं तुम सीधा ही चंद्रमा से पूछ लो ना कि ऐसा क्यों करते, एकदम से शॉक्ड हो गई। ऐसा प्रभुपा जी ने पूरे एकदम भाव के साथ बोला, चंद्रमा से तुम खुद ही पूछ लो। कई बार प्रभुपा जी ऐसे उत्तर दे देते थे, सामने वाला चुप हो गया, फिर कैमरा लेकर भी फिर चालू हो गई वो कोई आगे प्रश्न नहीं किया। प्रभुपा जी की नज़र में ऐसा कुछ नहीं था कि देवता लोगों का कोई विशेष स्तर है या कुछ ऐसा है, ठीक है सब भक्त हैं सब सम्माननीय है। एक बार शिव जी के बारे में किसी ने प्रश्न किया, बोले शिव जी ने ऐसा क्यों किया, तो प्रभुपा जी कहते हैं यू डोंट हैव राइट टू आस्क अबाउट लॉर्ड शिवा, तेरी औकात क्या है शिव जी के बारे में पूछने की। वो बेचारा डर गया, चुप हो गया। तो प्रभुपा जी इस स्तर पर थे, वो उसी स्तर से देखा करते थे, ऐसे सामर्थ्यशाली थे। इतनी वृद्धावस्था में होते हुए भी एक ओर तो अपने आप को कहते थे आई एम एन ओल्ड मैन, व्हाट कैन आई डू, कितने पीक पॉइंट पर काम कर रहे हैं, और एक ओर किसी को भी झाड़ देते थे चाहे कुछ कोई भी क्यों नहीं है, योर प्रेसिडेंट निक्सन ही इज रास्कल नंबर वन, ऐसे प्रेसिडेंट को भी गालियां देते थे, किसी को भी प्रभुपा जी झाड़ते रहते थे। प्रभुपा जी किसी से कोई भयभीत नहीं रहते थे। तो जो वैष्णव होते हैं वो वास्तव में ऐसे सामर्थ्यशाली हो जाते हैं, और अगर कोई ऐसे वैष्णव नहीं बन पाए तो फिर कोई औचित्य नहीं। तो मुचकुंद की मैं बात बता रहा था
ऐसे सामर्थ्यशाली के देवताओं ने उनको अपनी सहायता के लिए आमंत्रित किया और देवलोक में जाते ही उस लोक का ऐसा प्रभाव कि उनकी लंबे समय की आयु हो गई। वैसे तो भक्तों की आयु कोई निर्धारित नहीं कर सकता, क्योंकि वो काल को भी जीत लेते हैं। जब वापस आने लगे तो बोले कि आप वरदान मांग लो। बोले अभी नीचे जाऊंगा मैं तो, बोले नीचे जाने पर तो तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा नहीं, तुम्हारा सारा परिवार आदि कई युग बीत गए। यहाँ प्रभुपाद जी देवताओं की आयु को मेंशन कर रहे हैं कि वहाँ पर एक दिन मतलब यहाँ पर 6 महीने। उत्तरायण में सूर्य जब आता है तब वहाँ दिन होता है, दक्षिणायन में सूर्य जब जाता है तब वहाँ रात्रि होती है। 6 महीने सूर्य उत्तरायण में रहता है, 6 महीने सूर्य दक्षिणायन में रहता है। सुमेरु पर्वत के दक्षिण में चला जाता है तो स्वर्ग लोक में रात्रि हो जाती है, सुमेरु पर्वत के उत्तर में सूर्य जब चले जाते हैं तो वहाँ दिन हो जाता है। और हम यहाँ इतने समय में 6 महीने व्यतीत कर देते हैं। कितने दिन रात गुजर जाते हैं हमारे, कितना तेजी से हमारा काल चक्र यहाँ पर घूमता है। तो देखा जाए तो जब वो थोड़े समय के लिए युद्ध में सहायता करने के लगे तो यहाँ तो कई युग बीत गए। अच्छा, युग बीत गए तो यहाँ कुछ था ही नहीं, उनका कोई पहचानने के लिए तैयार नहीं। बोले ठीक है, अब मैं सोना चाहता हूँ, ऐसा ही वरदान दे दो, बस थक गया हूँ थोड़ा। तो एक भक्त की बड़ी अद्भुत सत्ता होती है, वो सहायता करने भी जा सकता है देवताओं की, और अगर भक्त है तो देवताओं को भी ललकार सकता है। बाल भक्त ओम प्रकाश की कथा आती है ब्रज के भक्तों में, वो देवताओं को भी ललकार देते थे, ब्रह्मा शिव आदि को भी ललकार देते थे, हृदय से ललकारते थे। ब्रजवासियों की कई बार ऐसी घटना आती है कि ब्रजवासी लोग संत महात्माओं का एक बार यहाँ भंडारा कर रहे थे तो अचानक से बूंदाबांदी चालू हो गई, पुए की पंगत हो रही थी। तो एक ब्रजवासी चप्पल लेकर के बाहर निकला, इंद्र को दे गाली मारने लग गया। बोले चप्पल से तेरी धुनाई कर देंगे, इतने बड़े संत के भंडारे में तुम व्यवधान डाल रहे हो। एकदम से बरसात बंद हो गई, सब साधु साधु कहने लगे। बोले देखो क्या ब्रजवासियों की क्या ताकत होती। बोले ठाकुर जी को भी ललकार देते थे, इंद्र चंद्र आदि क्या है। उनका ऐसा विश्वास है अगर सच में कोई भक्त है तो, मेरी तरह अगर कोई धूर्त है तो उसका क्या होगा, उसमें क्या सामर्थ्य होगी। लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो ऐसे सामर्थ्यशाली होते हैं। तो जीवन का उद्देश्य वैष्णव बनना चाहिए, ना कि आयु लंबी करके देवता बन जाए, ना कि संसार में जाकर के पशु बन जाए। ना पशु बनने से कोई लाभ है, ना देवता आदि बनने से कोई लाभ है। छोटी सी आयु भी है अगर हम भक्त बन पाते हैं तो हमारे लिए निश्चित कल्याणकारी है। भक्त बनना इतना सहज नहीं होता, अज्ञानता के कारण हम भक्त नहीं बन पाते। अज्ञानता क्या है, अंग्रेजी में प्रभुपाद जी कहते हैं अज्ञानता मतलब इग्नोरेंस। अज्ञानता मतलब इग्नोरेंस, प्रभुपाद जी ने इग्नोरेंस शब्द को डिफाइन कर दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं इग्नोरेंस मीन्स व्हाट, हाउ दिस इग्नोरेंस कम्स इन द लाइफ ऑफ ए डिवोटी और लाइफ ऑफ ए पर्सन। प्रभुपाद जी कहते हैं व्हेन वी स्टार्ट्स इग्नोरिंग कृष्णा, व्हेन वी स्टार्ट्स इग्नोरिंग कृष्णा वी बिकम्स इग्नोरेंट, वी कम्स अंडर इग्नोरेंस। जब हम कृष्ण को इग्नोर करना चालू कर देते हैं उसी समय हमारे हमारे अंदर अज्ञानता आ जाती है, हम अज्ञानी बन जाते हैं और अज्ञानता से घिर जाते हैं। फिर हमें नहीं समझ आता कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए जैसे ही हम भगवान को और भगवान के भक्तों को, अभी फिर से अगर हमें इग्नोरेंस से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू स्टॉप
स्टॉप इग्नोरिंग कृष्णा एंड हाउ कैन वी स्टार्ट दिस प्रोसेस? हम इसको कैसे चालू कर सकते हैं? सीधे भगवान को इग्नोर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लिए डिसाइड करना कठिन होता है। इसलिए गुरुजनों को जब हम इग्नोर करना बंद कर देते हैं, वैष्णवों को इग्नोर करना बंद कर देते हैं, हर परिस्थिति में हमारी कदम कदम पर परीक्षाएं होती हैं, लेकिन हर परिस्थिति में जब हम उनको इग्नोर करना बंद कर देते हैं, अपने आप ही कृष्ण में स्वीकार करेंगे। हो सकता है कृष्ण को हम इग्नोर भी करें, लेकिन गुरुजनों को इग्नोर ना करने पर कृष्ण को स्वीकार करना ही पड़ता है। और अगर वैष्णवों को अगर हम इग्नोर कर देते हैं और कृष्ण को बहुत आज्ञा का पालन करते हैं, तो भी आवश्यकता नहीं है कि हम कृष्ण के द्वारा हम रक्षित होंगे और हमारी इग्नोरेंस चली जाएगी। ये अज्ञानता ही है जो हमें वैष्णव नहीं बनने देती। इसलिए वैष्णव बनना अगर हमारा लक्ष्य है, तो हमें इग्नोरेंस का त्याग करना पड़ेगा। उसके लिए कृष्ण की अवज्ञा का त्याग करना पड़ेगा। तब हम सब सच्चे ऐसे वैष्णव बन सकते हैं जो ऐसी सामर्थ्य रखते हैं कि देवताओं को भी ललकार सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जा करके सबको ज़बरदस्ती ललकारें, अब तो मैं भक्त बन गया, मेरे पास ऐसी शक्ति आ गई। नहीं, जितना बड़ा भक्त होगा उतना ही व्यक्तिगत जीवन को लेकर के वो उतना ही सहनशील होगा, उतना ही वो कष्टों को सहन करेगा, अपनी सामर्थ्य का वृथा प्रदर्शन नहीं करेगा। और अगर कोई ऐसा उसकी नज़र में आएगा कि अरे यार ये बेचारा निरपराधी है, कैसा है, निरपराधी है, सच में उसको ऐसा भान होगा कि निरपराधी है, तो उसकी अवश्य वो सहायता करने में समर्थ होगा। या शरणागत भी अगर कोई अनुभव में आ जाए कि अरे यार ये शरण में आ गया है, पूरी तरह से समर्पित है, तो भी वो वैष्णव उसकी अवश्य सहायता करता है। क्योंकि शरणागत व्यक्ति चाहे सारे संसार का ही द्रोही क्यों ना हो, सारे संसार का हत्यारा क्यों ना हो, शरणागत व्यक्ति को भगवान को स्वीकार करना ही पड़ता है। इसलिए कई बार हम अपनी ओर झांक करके देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है चलो ठीक है हमने अपराध किए, लेकिन फिर भी हमें अभी भी दंड प्राप्त हो रहा है, हम तो शरण में आ गए, फिर भी भगवान हमारी शरणागति को क्यों नहीं देख रहे हैं, भगवान के भक्त हमारी शरणागति को क्यों नहीं देख रहे हैं। हमारी शरणागति के जो 6 लक्षण हैं, जिसमें अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, गोपतृत्व विवरण, कार्पण्यता आदि, हमारे अंदर वो सब लक्षण नहीं है। सिर्फ मुंह से बोलने के लिए हम कह देते हैं कि भाई हम शरणागत हैं। इसलिए वैष्णवों के हम उस प्रकार से कृपा पात्र नहीं बन पाते, अन्यथा कर्म फरम कटना कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए हम एक तो अपने जीवन में निरपराधी वास्तव में है नहीं। अगर अपना इतिहास देखें व्यक्तिगत तौर से, तो सब पता चलेंगे कि हमारे कितने कितने जघन्य अपराध हैं। और अगर शरणागति की दृष्टि से देखते हैं तो हम शरणागत भी नहीं है। मृगरारी आदि था, इन्हें उन्होंने इतने अपराध किए, लेकिन नारद जी के प्रति इतने आज्ञाकारी समर्पित हो गए, सारे अपराध उनके मुक्त हो गए। अजामिल था, कितनी हत्याएं करने वाला, वेश्यागामी, सारे अपराधों से मुक्त हो गया। और डाकू रत्नाकर थे, जिनके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता था, और वो इतने बड़े महान बन गए कि साक्षात भगवान की लीलाओं का सारा उनके सामने दर्शन होने लग गया। जो लीला अभी भगवान ने की नहीं है, वो सारी लीलाओं का ज्ञान करने से पहले ही उनको हो गया कि भविष्य में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। कितने बड़े ज्ञानी बन गए। तो ये वैष्णवता की बड़ी महानता है। और जीवन का लक्ष्य वास्तव में वैष्णव बनना ही होना चाहिए।
एटलीस्ट ईमानदारी से प्रयास तो करना चाहिए। भगवान केवल प्रयास देखते हैं, सफलता तो उनके हाथ में है, देना नहीं देना, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे तो भगवान निश्चित रूप से हमें सफलता देंगे। भगवान ने हमें सफल बनाने के लिए सहायता के रूप में भागवत दिया है, भगवद्गीता दिया, गीता दिया है, वैष्णव जन को हमें दिया है, धाम को दिया है, नाम को दिया है, भगवान ने अपने विग्रह स्वरूप को दिया है, ये सब चीज़ों को भगवान ने हमें दिया है। वैष्णव बनने के लिए ऐसा भी नहीं कि बहुत समय लगता है, नहीं, हमारी समर्पित भावना में समय लगता है। हम अपने आप को फूक फूक करके समर्पण की ओर आगे बढ़ते हैं, इतना सहज रूप से समर्पण की ओर नहीं अपने जीवन को समर्पित कर पाते। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे अंदर लोभ आदि के इतने संस्कार हैं, काम के ऐसे संस्कार हैं, क्रोध के ऐसे संस्कार हैं, ईर्ष्या के ऐसे संस्कार हैं, कपट आदि के ऐसे संस्कार हैं, वो सब संस्कार हमें भयभीत बना करके रखते हैं। समर्पण कर देंगे तो हमारे लोभ की आपूर्ति कैसे होगी, हमारे संस्कारों का पोषण कैसे हो पाएगा, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से स्त्री आएगी, कहाँ से मकान दुकान आएगा, कहाँ से हमारे जीवन में फिर मैं अपने दुश्मनों से बदला ले पाऊँगा, मैं तो फिर ऐसे ही चला जाऊँगा, फिर इन लोगों के साथ ईर्ष्या का मेरा क्या होगा। इसलिए व्यक्ति इन सब संस्कारों के पोषण में ही निरंतर लगा रहता है। और एक बालक भी वैष्णव बन सकता है, बड़े बुद्धिजीवी का तो क्या कहा जाए, लेकिन हमारी बुद्धि जब उल्टी दिशा में चलने लगती है तो हम इस वैष्णवता के मार्ग से वंचित हो जाते। लेकिन बिना वैष्णव बने वास्तव में सुख भी हमें नहीं प्राप्त हो सकते, आवागमन के चक्र में जाना पड़ेगा। जिसको प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहला रहे हैं कि यद्यपि भौतिक ब्रह्मांड के भीतर कोई भी अमर नहीं है, मृत्यु का कष्ट देवताओं के लिए भी आना है। अभी जैसे हम लोग भी अपने जीवन में कौन सा याद रखते हैं कि 100 साल बाद ही मर जाएंगे, इसलिए 100 साल कैसे बीत जाते हैं इसका हमें कोई चिंता थोड़ी सताती है। 100 साल जब बीत जाते हैं, अचानक से जब मौत आके खड़ी हो जाती है तब पता लगता है अरे मौत आ गई भाई, तब कैसा भय सताता है। तो देवताओं का ऐसे करोड़ों वर्षों की आयु है, अरबों वर्षों की आयु है, वो भी चिंता नहीं करते कब मरेंगे। अचानक से उनकी भी जब मौत सामने आ जाती है तो उनकी भी ऐसी दशा होती है। तो 100 वर्ष के बाद हम मर रहे हैं और वो अपने 100 वर्षों के बाद मर रहे हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा मेंटली डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत चिंता निश्चिंत होकर के वो इतने अपने जीवन की आयु को भोगते हैं, हम भी तो निश्चिंत होकर के भोगते हैं, हमें कौन सी चिंता सताती है कि हम मर जाएंगे। किसी को भी ऐसा भान नहीं होता, ये माया शक्ति है। इसलिए देवताओं के जीवन में, हमारे जीवन में या अन्य मक्खी मच्छर के जीवन में किसी में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। सापेक्ष रूप से हमें अंतर प्रतीत होता है, इसके कंपैरिजन में मैं श्रेष्ठ हूँ, इसके कंपैरिजन में मैं श्रेष्ठ हूँ। आपसे भी ऊपर वाले लोग पड़े हैं, ब्रह्मा जी की आयु का वर्णन किया जा रहा है, जिसमें कि ब्रह्मा जी की आयु का तो कोई सोच भी नहीं सकता। तो ऊपर के कंपैरिजन कोई करना नहीं चाहता, नीचे से सब लोग तुलना करते हैं और नीचे से तुलना करके अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करने की चेष्टा में लगे रहते हैं। बुद्धिमानी वैष्णवता की तब आरंभ होती है जब हम ऊपर के साथ तुलना करते और चिंता करने लग जाते हैं। हम दूसरे व्यक्ति को नीचे की दृष्टिकोण से देखते हैं, ये मेरे से कौन से गुण में हीन है इसलिए सोचते हम इससे श्रेष्ठ है, ये नहीं सोचते ये हमसे कौन से गुण में श्रेष्ठ है। अगर हम ऐसा सोचने लग जाए ये हमसे कौन से गुण में श्रेष्ठ है, हम उसको इग्नोर करेंगे ही नहीं। हम क्या सोचते हैं, मैं इससे कौन से गुण में श्रेष्ठ हूं, इसलिए मेरे को इसकी बात मानने की क्या आवश्यकता है, मुझे इसकी क्या परवाह करने की आवश्यकता है। जबकि एक वैष्णव जब बन जाता है तो वो वेश्या से भी शिक्षा ले लेता है। वेश्या को भी दत्तात्रेय जी ने गुरु बना लिया, कबूतर से भी शिक्षा लिया जो घोर कामी माना जाता है, कबूतर को भी उन्होंने गुरु बना लिया, जड़ वस्तुओं को उन्होंने गुरु बना लिया, क्योंकि उनका विजन उस प्रकार का है।
हर चीज में से वो ये देखते हैं इसके अंदर मेरे से क्या श्रेष्ठता है। लेकिन बहिर्मुख होने के कारण अपनी श्रेष्ठता हम सबको दिखाई देती है, दूसरे की निकृष्टता दिखाई देती है। इसलिए वैष्णवता से हम सब लोग बहुत दूर चले जाते हैं। अधिकारी व्यक्ति को अधिकार है, कोई ये देखता है कि हाँ इसकी क्या गलती है और उसको दंडित करता है। जैसे महाराज परीक्षित इस अधिकार के साथ देख रहे हैं। और स्वयं को लेकर के महाराज परीक्षित ने ऐसा नहीं किया। कैन यू इमेजिन, जो देवताओं को ललकार सकता है उसको, उस ब्राह्मण बालक को ललकारने में क्या दिक्कत थी, जिसने मूर्खतावश इतना बड़ा भयानक श्राप दे दिया। प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं मूर्खता के कारण दिया। उसके पिता को भी ये बात रियलाइज हुई कि इसने मूर्खतावश दिया है। वो चाहते तो उस बालक का क्या नहीं कर सकते थे, या फिर उस तक्षक का क्या नहीं कर सकते थे, जब उनकी संतान ही इतनी जन्मे जय महाराज इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने तक्षक को आग आग के अंदर डालने का प्लान बना लिया था, तो तक्षक महाराज परीक्षित का क्या कर सकता था। लेकिन व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखा जाए तो महाराज ने बिना गलती के भी अपनी गलती ऐसे मान लिया और तक्षक के द्वारा काटा जाना स्वीकार कर लिया। सुखदेव गोस्वामी के ऑफर देने पर भी उन्होंने अस्वीकार नहीं किया। बोले ये तो बहुत अच्छा हुआ, मेरे हृदय में वैराग्य जागृत हो गया। कैसे वैष्णव होते हैं, वैष्णवों को पहचानना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए परीक्षित महाराज से हम सभी प्रार्थना करें और इनकी दया की भीख मांगें कि इनकी दया से हमारे अंदर ये मनुष्य जीवन का जो मौका मिला है इसमें हम अपने आप को वैष्णव बनाने का प्रयास करें और जीवन को सफल बनाए। धन्यवाद आप सभी भक्तों का। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। यस पूछिए। देखो कर्मों का इतिहास बहुत पुराना है प्रत्येक जीव का, तो दो दृष्टिकोण होते हैं हर क्रिया के पीछे। अभी जैसे कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर रहा है तो वो ऐसा सोच सकता है कि इसके द्वारा हत्या की जा रही है और इसके द्वारा हत्या हो रही है, इसका मतलब पूर्व में इसने इसकी हत्या की होगी। एक तो ये दृष्टिकोण आता है। इसमें हमें हस्तक्षेप करने की क्या आवश्यकता है। दूसरा एक ये दृष्टिकोण आता है कि नहीं, हमें इस हत्या को रोकने का प्रयास करना चाहिए, हमारे पास स्वतंत्रता है। अगर हम इस हत्या को होते हुए देखते हैं तो हमें देखने का अपराध लगेगा, इसलिए हम अपनी ओर से प्रयास करते हैं, भरसक प्रयास करते हैं। उससे क्या है, हम अपना एक बुरा कर्म करने से बच जाएंगे जो हमारा कर्म हो रहा है। बाकी यदि होनी होगी तो हमारे प्रयास से भी रुकने वाली नहीं। अगर वास्तव में वैसा ही हो तो होना ही है, और अगर हम प्रयास करेंगे तो दूसरे की भी तो स्वतंत्र इच्छा है। वो हो सकता है कर्म को नया कर्म दे, कर्म का रूप दे रहा हो, एक नया कर्म करने जा रहा हो हत्या का, हमारे समझाने से अगर वो रुक जाए तो अच्छी बात है। तो कोई भी व्यक्ति को जब घटना घटित हो जाए तब उसको उस एंगल से देखना चाहिए कि कोई नहीं, भगवान का विधान था, हम क्या कर सकते। जैसे अभिमन्यु का वध हो गया तो इतिहास के कारण कुछ हुआ ऐसा। बाकी ऐसा नहीं कि जब वध होना ही था तो हो गया, अभी रक्षा करने की क्या जरूरत है किसी की। नहीं, रक्षा का प्रयत्न अवश्य किया जाना चाहिए जिससे कि हम उस कर्म में सहभागी ना हो पाए। तो हमें हमेशा ही
घटना से पूर्व कुछ अच्छा करने की चेष्टा करनी चाहिए, और अगर नहीं हम कर पा रहे, कुछ घटित हो गया, तो हताश नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ कर नहीं पाया, मेरा क्या जीवन रहा, या दूसरे ने मेरी बात सुनी नहीं, या वो तो बहुत अज्ञानी है, उसने ऐसा कर दिया। ठीक है, भगवत विधान था, क्या कर सकते हैं, उसके कर्म उसके सामने आ गए, उसको झेलना पड़ा, समझ रहे। इसलिए ईमानदारी से प्रयास जरूर किया जाता है। जैसे कोई भक्त है, वो बेचारा माया में पड़ रहा है, भटक रहा है, संसार में जाना चाहता है, उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए, उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज काफ़ी प्रयास करते थे, और कई बार कोई भक्त चला जाता था मंदिर से तो रोते भी थे, ये बेचारा भक्त क्यों चला गया, मैं इसको रोक नहीं पाया, मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। भक्ति सिद्धांत महाराज रोते थे, जबकि देखा जाए तो उसके कर्म थे जो उसको खींच करके ले गए। तो बाद में भक्ति सिद्धांत महाराज ने ये सारी बातों को समझाया है, उनसे बड़ा कौन आचार्य होगा, वो तो वेदाज एनसाइक्लोपीडिया होते थे, लेकिन फिर भी अपने आप में वो प्रयत्न को लेकर के इतना गंभीर थे कि लोगों को बचाया जाए। अंत में उन्होंने कहा, मैं और लंबा समय यहाँ रहना चाहता था, लेकिन क्या है, अब थोड़ा कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो बोले अब मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने असमय ही जाने का प्लान बना लिया, ऐसा प्रभुपाद जी वर्णन करते। तो अटैच भी नहीं होते कि हमारी सुनवाई होगी होगी और सामने वाला सुन ही लेगा, आवश्यक नहीं है, उसके दंड उसके जीवन में लिखे हैं तो उसको भोगने पड़ेंगे। तो ये कर्मों का विधान भी है और नए कर्मों की एक श्रृंखला भी है, हम चाहें तो उसको प्रयास कर सकते हैं। इसलिए गीता भागवत आदि ये सब प्रयास ही तो है समझाने का, जब इसको रोज किया जा रहा है तो बाकी समय में भी बोधयंत परस्परम गीता में भगवान कह रहे हैं, बाकी समय भी एक दूसरे को बोध कराने की चेष्टा पूरी करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। ठीक है।